आपके दोस्त ने एक प्यारी बुलबुल जैसी लड़की अपनी मुट्ठी में छुपा कर रखी है कब से, और आपको भनक तक नहीं लगने दी। बुलबुल देखो, टेंशन मत लेना। हाँ, टेंशन मत दो, जल्दी बोलो। शिक्षा की टीचर प्रोफेसर अनुराधा। वो सुरीली? लेकिन तूने तो कहा था कि वो गले में वरमाला नहीं चप्पलों की माला डालेगी, है? तब ना, वो तो तब था यार। और अब बात बदल गई? वही तो। आप अभी के अभी बापू से जाके बात कर लीजिए, वो आपकी शादी और हनीमून दोनों फटाफट करवा देंगे। वो कैसे, वो कैसे करवाएगा? अरे सुरीली और बापू एक ही गांव के हैं ना, जानते हैं एक दूसरे को। वो बापू की बहुत इज्जत करती है। मैं बोल रहा हूँ ना, एक बार बापू ने कहा, वो मना नहीं कर पाई। अब देखिए मधु अंकल, आपका इतना बड़ा घर है, दौलत है, कोई तो संभालने वाला चाहिए ना। ये घर दौलत संभालने के लिए मैं काफी हूं, मुझे सिर्फ वो चाहिए। क्या? शादी? हाँ तो यहां बैठे बैठे थोड़ी कुछ होने वाला है। आप अभी के अभी बापू से जाके मिलो, वो इस वक्त घर पे अकेले हैं। कुछ समझे आप? हाँ तो उठो, अभी उठो। और सुनो, मुझे बीच में मत घसीटना। मेरा नाम लिया ना तो ये जो समझौता एक्सप्रेस है ना, वो तुरंत बंद कर दूंगा। ओए, ओए मेरी कमर। अच्छा टाइम आने वाला है, इसको भी अभी साथ छोड़ना था। उठो, उठो यहां से, और मुंह काला कर अपना। मुंह काला? वो क्यों? तुझे पता है वो कौन है? प्रोफेसर अनुराधा। तेरे लिए, बाकी सबके लिए। मेरे लिए? मेरे लिए सिर्फ मेरी अनु है। हम दोनों एक ही गांव में पैदा हुए थे, अड़ोस पड़ोस में साथ साथ खेलते कुत्ते बड़े हुए। स्कूल के बस्ते टंगे थे कंधों पे, तब हमने तय किया था कि हम जिएंगे हमेशा के लिए साथ साथ। उसके भाइयों ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी थी, लेकिन मेरी अनु ने जिद की कि मुझे यहां से ले चलो जानू, मैं ये घर छोड़कर भाग जाना चाहती हूं। और शादी की एक रात पहले जो हाथ लगा बांध कर हम लोग भाग गए, लेकिन रेलवे स्टेशन पर ही पकड़े गए। उसके भाइयों ने मुझे बहुत मारा और फेंक दिया पटरी पे आ तुम्हारा। नजदीक आती ट्रेन से पटरियां जब धड़कने लगी तो मैं होश में आया, जैसे तैसे खुद को उठाया और ट्रेन में झोंक दिया। वो ट्रेन कहाँ जा रही थी, वो सोचने का होश ही कहाँ था। कुछ दिन बंबई में था, फिर लंदन, और भागता रहा। अनु ने अपने भाइयों की ताकत के सामने हार मान ली और उस शादी करी। इस नुकीली कील पे मैंने अपनी जिंदगी टांग ली और फर्ज और जिम्मेदारी के जाल में अटकता गया। शादी में तू और गौरव जब बात कर रहे थे, तब पता चला कि मेरी अनु तो अकेली है। मेरी अनु, उसने अपनी सारी जिंदगी मेरे इंतजार में काट दी, और मैं जब मिला था भरा पूरा परिवार, दो दो जवान बेटे, और मेरी अनु अकेले। इसके लिए मैं जिम्मेदार, सिर्फ मैं। अंजना का रिसेप्शन कब है? परसों। टीचर आ रही है ना? वो जिम्मेदारी मेरी है। बस तो मेरा प्लान तैयार है। अरे मैं तो मर रही हूँ देखने के लिए कि आगे क्या होगा। अब ये लव स्टोरी मेरे सामने शुरू हुई थी, अब आधी अधूरी छोड़कर जाना पड़ा तो? कहाँ जा रही? घर, अमेरिका। डैड का फोन आया था, वो मुझे लेने आ रहे हैं। तुम जा रहे हो ना? हाँ। वापस कब आओगे? पता नहीं, डैड ने कुछ तामझाम करके रखा है, लेकिन ये दुनिया गोल है,
कभी तो हमारे सर टकराएंगे ना। Nice to see you again, Gaurav. Hi. Hello. और आपके आने से एक कमी पूरी होगी। We won't be missing our families. आप भी एक फैमिली जैसे हो हमारे लिए। Hello, Arjun. Hello. मुबारक हो। Thank you very much. Congrats. Okay, we won't take more of your time. Yeah, please make yourself comfortable, okay? Thank you. इतनी देर कहाँ लगा दी? यार, आजकल बापू घंटों लगाते हैं तैयार होने में। 10 औरतों का मेकअप एक तरफ और बापू एक तरफ। बापू? इसलिए तुम खतरे में हो। बड़ा भाई इतना डैशिंग है तो छोटे को कौन पूछेगा? ये सुना? ये सुना तुमने? अब ये बापू बापू बोलना बंद करो। Call me JR. JR. Yeah, JR. Hi, Gaurav. Hi. JR, चलो। Hi. एक और बार पहचान कराने की जरूरत तो नहीं है ना? Teacher, everybody is gonna dance. और हमें एक अच्छा गाना चाहिए। And you're the best. Come on. मैं? नहीं बाबा, sorry. क्यों? गाइए ना. Please, please go. Go, teacher. नहीं, हफ्ते भर से बच्चों को सिखाना बंद है मेरा. मुझे बख्श दो. अरे आपको छोड़ेंगे तो मुझे माइक पकड़ना होगा. और इसने माइक पकड़ा ना तो लोगों को पकड़ पकड़ के वापस पार्टी में लाना पड़ेगा. So please, teacher. I'm sorry. Really sorry. I think you are going to be sorry. क्योंकि अब आप मेरा गाना सुनने वाले हैं।